दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी कि ईश्वर हमारे साथ हैं तो वो कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों को प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं। आज मैं आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ हैं या नहीं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ऐसे कुछ संकेतों के बारे में जो हमें परमेश्वर के अत्यंत खुश होने का संकेत देते हैं, वही मैं आपसे शेयर करूंगी। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है, उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती है क्योंकि उसका इतना आत्मविश्वास हो चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में वो भी कुछ कर सकता है। गरुड़ पुराण में इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञ की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनमें देवी देवता का अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि देव आपसे क्यों प्रसन्न रहते हैं और वो कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता चले कि देव आपके साथ हैं। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसे परिवार चला पा रहे हैं तो ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध में वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठकर शीशा देखते हैं और उस समय यदि आपके अपने चेहरे में कुछ परिवर्तन और चमक के साथ लाली नज़र आने लगे तो समझ जाएं कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यदि अचानक सुबह सुबह सगे संबंधियों या जिस पे पैसा आपने लेना है वे मिलने आ जाए तो समझ जाइए कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। जब भी आप प्रातः घर से निकलें तो कोई आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर आ जाए तो समझे कि आपका समय बेहद शुभ हो बीतने वाला है और ये भगवान की कृपा ही है जो आपके ऊपर होने वाली है। अगर आपको पता है कि हालात आपके विपरीत हैं, इसके बाद भी आपके मन में ये एहसास है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ नेगेटिव होने पर भी आपको सोच पॉजिटिव हो तो एक बार को अपने आपको यह सोच पागलपन लग सकती है, लेकिन यह आप पर देवी कृपा का इशारा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे कभी मन घबराए और आपको लगे कि कुछ पूरा होने वाला है पर आपको उसका उत्तर न ढूंढ पाए, तो ऐसे में आशीर्वाद भी किसी शाप से कम नहीं लगता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।